वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों दिस इज द 70 डेज कंप्लीट मैथ कोर्स की सीरीज चल रही है। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीपीओ की, चाहे बैंक पीओ की, चाहे सीएचएसएल के लिए, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्ट 1 टू पार्ट 12 तक ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। जो लोग नहीं देखे इसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप आसानी से देख सकते हो। और अगेन मैं बता दूं कि मैं आपको सारे टॉपिक्स आपको प्री और मेंस दोनों लेवल के क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूं, ताकि कॉन्सेप्ट पर्पस से कोई भी टॉपिक्स आपसे छूटने ना पाए। ऑल अर्थमेटिक टॉपिक, ये 17 टॉपिक्स मैंने लिखा हूं। अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट कराए चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं इसकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आसानी से देख सकते हैं। एडवांस मैथ की सीरीज में आपको 3 टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर सिस्टम, यहाँ पे जो नंबर सिस्टम ऑन गोइंग टॉपिक है, और साथ ही साथ आपको ज्योमेट्री, ये दोनों टॉपिक्स अभी ऑन गोइंग टॉपिक हैं। नंबर सिस्टम का लास्ट कॉन्सेप्ट चल रहा है रिमाइंडर थ्योरम, ये भी आज आपको कंप्लीट होने वाला है। इस तरह से आपको सारा टॉपिक्स वन बाय वन, ये 5-6 टॉपिक्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो कि जो भी टॉपिक्स मैंने कंप्लीट कराया अर्थमेटिक के और एडवांस मैथ के, आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो ओनली फॉर 200 रुपये पे करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। पे आपको पेटीएम के थ्रू पे कर सकते हो, तेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, और अकाउंट नंबर दिया इसके थ्रू भी आप पे आउट कर सकते हो। पे करने के बाद क्या होगा, आपको पे स्क्रीन, पे स्लिप की आपको स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। उसके बाद मैं आपको क्या करूँगा, लिंक प्रोवाइड करूँगा, जिसमें जैसे 17-20 टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कराए जा चुके हैं, इसकी आपको वीडियो लिंक सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएगी, आसानी से आप देख सकते हो। सेकेंड आपको क्या है कि जो करेंटली वीडियो चल रहे हैं वो भी आपको डेली मिल रहे हैं। थर्ड आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे 20 टॉपिक्स की आपको ऑलरेडी पीडीएफ प्रोवाइड भी की जा चुकी है बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, हिंदी और इंग्लिश, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। और फोर्थ आपको डाउट ग्रुप भी बना हुआ है, आप आसानी से अपने क्वेश्चन को भी पूछ सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी 150 प्लस स्टूडेंट ज्वाइन भी कर चुके हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि वेन फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट 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 फैक्टोरियल 1000 को अगर डिवाइड करते हैं 10 से तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो देखो क्वेश्चन कर रहा है कि जब फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 1000 को 10 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखो हिंदी वाले हिंदी पढ़ लीजिएगा, मेरे को इंग्लिश में कंफर्टेबल होता हूँ इसलिए मैं इंग्लिश में कराऊंगा आपको। हिंदी वाला स्टूडेंट्स जो हिंदी वाले स्टूडेंट सॉरी फॉर डैट हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो हिंदी वाले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। सबसे पहले देखो आपको फैक्टोरियल का मतलब बताता हूँ। फैक्टोरियल का सिंबल इस तरह से भी हो सकता है, फैक्टोरियल का सिंबल और इस तरह से भी, ये क्या है, ये दोनों सिंबल है। फैक्टोरियल को इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, ये जो सिंबल है, और फैक्टोरियल को इस तरह से भी डिनोट किया जाता है। मतलब जैसे मैं बोलूं, जैसे देखो फैक्टोरियल 1 तो इसको इस तरह से कोई बुक्स में लिखा होगा, कहीं बुक्स में ऐसे भी लिखा होगा, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, इन दोनों का मतलब सेम है। तो आपको एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे भी फैक्टोरियल n का मतलब क्या है, n फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि n फैक्टोरियल है तो n लिख दो, उसको एक एक कम करते जाओ, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, कहां तक कम करना है, डॉट 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 कहां तक कम करना है, जब तक कि फाइनली 1 तक ना पहुंच जाए। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं फैक्टोरियल 6 की वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैंने बोला फैक्टोरियल 6 की वैल्यू, तो कहाँ से, 6 से ही स्टार्ट करो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अगर मैं बोल दूँ फैक्टोरियल बात करूँ, देखो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू, तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या लिखूंगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और जो मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा वो आपका आंसर आ जाता है। जैसे मैं बोलूँ फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 4 × 3 = 12, 24, फैक्टोरियल 5 × 20 = 60, 220। मैं बोलूँ फैक्टोरियल 6 का 30 × 120 = 12, 36, 36 × 72, 720। तो इस तरह से आपको फैक्टोरियल मान लो 3 लिखना है तो क्या लिखोगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी क्या हो गया 6। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू आपको याद भी होना चाहिए, सारे फैक्टोरियल की वैल्यू याद होनी, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 कितना हो गया 1, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 के अलावा कुछ है ही नहीं, तो 1 इंटू 1 यानी क्या हो गया 1। तो इस तरह से आपको सारे पता होना चाहिए। मैं बोल दूं आपसे देखो फैक्टोरियल, अब देखो यहाँ पे क्या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ,
क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे, ये ऐसे ये मेंस के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मेंस के क्वेश्चन को तब तक नहीं कर सकते जब आपको फैक्टोरियल की मतलब ना पता हो। फैक्टोरियल का मतलब अगर आपने समझ गए यहाँ पे तो आसान है क्वेश्चन बनाना। जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ फैक्टोरियल वन, तो फैक्टोरियल वन क्या होता है वन। फैक्टोरियल टू, तो मैंने अभी बताया था कि क्या लिखो, टू इंटू कहाँ तक ले जाना है वन, यानी फैक्टोरियल टू की वैल्यू क्या होगी टू। फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल थ्री का मतलब क्या हो गया, थ्री इंटू टू इंटू वन कितना हो गया सिक्स। फैक्टोरियल फोर क्या हो गया, फोर इंटू थ्री इंटू टू कितना हो गया ट्वेंटी फोर। फैक्टोरियल फाइव क्या हो गया, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, यानी यहाँ पे वन भी लिख लो, मल्टीप्लाई वन से करोगे पाँचों के बीस या साठ दूनी एक सौ बीस। फैक्टोरियल सिक्स की वैल्यू क्या होती है, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन कितना हो गया, छः पाँच तीस चौके एक सौ बीस, एक सौ बीस छत्तीस तीन सौ साठ और दो सात सौ बीस। उसी तरह अगर फैक्टोरियल सेवन लिखना है तो सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, यानी कितना हो गया, यहाँ तक तो कितना था सात सौ बीस और सात, यानी कितना हो गया जीरो, सात दूनी चौदह, सात सत्तर उनचास एक पचास, यानी फैक्टोरियल सेवन की वैल्यू कितनी है। आपको ये एटलीस्ट सात आठ नौ तक फैक्टोरियल की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जैसे देखो एटलीस्ट सेवन तक तो याद ही होनी चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया फैक्टोरियल वन की वैल्यू तो आपको पता है वन, फैक्टोरियल टू की वैल्यू कितना है टू, फैक्टोरियल थ्री की वैल्यू तो सिक्स, फैक्टोरियल फोर की वैल्यू अभी मैंने बताया यहाँ पे ट्वेंटी फोर, फैक्टोरियल फाइव की वैल्यू कोई बोले तो 120, फैक्टोरियल सिक्स की वैल्यू कोई बोले तो 720, फैक्टोरियल सेवन की वैल्यू कोई बोले तो क्या हो जाएगा 5040। ठीक है, अभी मैंने ये चीज़ें ये आप याद रख लो, ठीक है, काम आने वाला है आपको ये चीज़ें। दूसरी पॉइंट्स, एक पॉइंट तो क्या हो गया कि ये आपने मीनिंग जाना कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है, दूसरा आपने जाना कि कौन सी वैल्यू किसकी क्या वैल्यू होती है, ये जुबान पे होनी चाहिए अगर क्वेश्चन आपको फास्ट बनाना है तो। एक कॉन्सेप्ट अब मैं बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला चीज़, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई बोल दे कि फैक्टोरियल जीरो, तो हमेशा फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू क्या होती है वन, ये एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्शन केस है, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू क्या होती है वन, और फैक्टोरियल निगेटिव नॉट पॉसिबल, निगेटिव फैक्टोरियल नहीं होता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू क्या होता है वन। अगर कोई बोल दे भाई फैक्टोरियल माइनस फाइव लिखा हुआ है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं लिख सकते, निगेटिव फैक्टोरियल नहीं होता है। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है वन, ठीक है, ये चीज़ आपको रख लो कि ये एक्सेप्शन है। ठीक है, अभी के इसकी भी निकाली जाती है कैसे फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन होती है, बट मैं यहाँ पर ये जो फैक्टोरियल टर्म है ना हमें पढ़ना होता है एलेवेंथ क्लास में, मैं बहुत अच्छे से पढ़ना होता है बाइनोमियल थ्योरम, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें की वैल्यू निकाली जाती है, या परमुटेशन कम्बिनेशन। फाइनली जब हम हाईएस्ट लेवल के पढ़ते हैं आईआईटी जेई लेवल के, अगर आप लोग ट्वेल्थ के बाद जो लोग भी प्रिपरेशन किए होंगे आईआईटी जेई या जेई मेंस और एडवांस अब हो चुका है, तो ये उसमें ये सब चीज़ें डिटेल्स में करनी होती है, बट यहाँ के लिए आपको मीनिंग पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, जैसे हमने फैक्टोरियल फाइव है, ध्यान से देखो फैक्टोरियल फाइव है, देखो ये फैक्टोरियल फाइव है, ये फैक्टोरियल फाइव की वैल्यू इतनी है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं इरेज करके दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखो या फोर थ्री टू वन, फोर थ्री टू वन ये किसकी वैल्यू है, फैक्टोरियल फोर। तो यानी कि अगर मेरे को लिखना है, देखो फैक्टोरियल फाइव लिखना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ फाइव इंटू क्या, फैक्टोरियल फोर। देखो ये फाइव है और इन सारे की वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल फोर। अगर मेरे को फैक्टोरियल सिक्स लिखना है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सिक्स इंटू फैक्टोरियल फाइव लिख सकता हूँ। अगर मेरे को लिखना है फैक्टोरियल एट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एट इंटू फैक्टोरियल सेवन लिख सकता हूँ। चाहे मेरे को लिखना है, ठीक है, मेरे को लिखना है नाइन, फैक्टोरियल नाइन, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, नाइन इंटू फैक्टोरियल एट। चाहे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फैक्टोरियल नाइन को, क्या, नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू फैक्टोरियल सिक्स। मतलब जहाँ से इंड करो वहाँ के बाद फैक्टोरियल लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, ये फैक्टोरियल सिक्स है ना, फैक्टोरियल सिक्स है, मैंने फैक्टोरियल सिक्स को कहाँ तक, देखो मेरे को लिखना है, अगर मैं फैक्टोरियल सिक्स है, फैक्टोरियल सिक्स को मैं ऐसे लिख देता हूँ सिक्स इंटू फाइव इंटू फैक्टोरियल फोर लिख सकता हूँ। जहाँ से इंड करो वहाँ से लगा सकते हो फैक्टोरियल। कैसे, देखो ध्यान से, ये फैक्टोरियल सिक्स की वैल्यू इतनी है, देखो सिक्स इंटू फाइव, यहाँ तक तो हमने लिख दिया सिक्स इंटू फाइव। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक क्या फैक्टोरियल फोर की वैल्यू है, यानी हमें इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल फोर। यानी अगर मैंने को बोल दे, किसी ने मैंने बोल दिया कि फैक्टोरियल एट लिखना है, तो मैं इस तरह से लिख देता हूँ एट इंटू सेवन इंटू
फैक्टोरियल 6, या मैं फैक्टोरियल 8 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू क्या फैक्टोरियल 5, कहीं से भी आप एंड कर सकते हो। ये चीजें आप को मैं समझाना चाहता था, ठीक है। तो दूसरा थर्ड पॉइंट, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए और ये वैल्यू आपके जुबान पे होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया, ध्यान से देखिए, मैंने बोल दिया यहाँ पे कि फैक्टोरियल 9 की वैल्यू बताओ, तो मेरे को पता है ना 9 को इस तरह से लिख सकता हूँ, 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7, यानी 9 इंटू 8 कितना हो गया 72, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5040, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ गया, ठीक है। मेरे से किसी ने बोल दिया फैक्टोरियल 8 की वैल्यू निकालो, तो मेरे को पता है ना 8 इंटू फैक्टोरियल 7, 8 इंटू फैक्टोरियल 7 की वैल्यू यहीं से हमने डायरेक्टली क्या 5040, यानी ये वैल्यू आप याद रख लो और उसके बाद आप किसी का भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से फैक्टोरियल, इसमें हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि एनसीआर क्या होता है, एनपीआर क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट में नहीं पूछा जाएगा। अगर ये हाई लेवल मैथमेटिक्स परमुटेशन कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, वैसे एसएससी के सिलेबस में है नहीं है परमुटेशन कम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, बैंक के सिलेबस में है, वो भी इतना डिटेल्स नहीं पूछा जाता, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, अगर बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है, जो लोग आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसमें ये सब चीज़ें हाई लेवल्स की पढ़नी होती है, अदरवाइज एसएससी बैंकिंग एग्जाम में ये सब चीज़ें नहीं पढ़ना होता। तो आप इतना समझ गए मीनिंग, अब देखो इसका मीनिंग, अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब ये मेंस के क्वेश्चन लगाते हैं, देखो मेंस का क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 कहाँ तक गया है, इस तरह से डॉट 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 फैक्टोरियल 1000 तक गया है, और क्या करना है, डिवाइड करना है क्या, किस से, 10 से। तो अभी मैंने आपको बताया था ना फैक्टोरियल 1 की वैल्यू, फैक्टोरियल 1 देखो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 2 2, फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 4 24, फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 6 720, फैक्टोरियल 7 5040। तो ध्यान से देखो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या है 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या है 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या है 6, मैं यही जो वैल्यू लिख रहा हूँ, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या है 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या है। अब ध्यान से देखो मेरे को यहाँ के, मैं बोला हूँ फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालना है ना हमें, यहाँ पे आपको पूरी कंसंट्रेशन होनी चाहिए यहाँ पे, नहीं तो अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। देखो मैं इसमें डिवाइड कर रहा हूँ, देखो फैक्टोरियल 10 से इसमें डिवाइड करूँ भाग नहीं जाएगा, रिमाइंडर क्या हो गया 1, फैक्टोरियल 2 को इसमें भाग दे रहा हूँ, अगर भाग भी नहीं देना छोड़ दो, आगे बात की हम देखते हैं, ध्यान से देखो, वो भी उस तरह से भी कर सकते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ध्यान से देखिए ये 120 आया, 120 क्या 10 से भाग चला जाएगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, यानी अगर फैक्टोरियल 5 का रिमाइंडर 0 आ गया तो आगे क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखो आगे है फैक्टोरियल 6, वैसे भी फैक्टोरियल 6 क्या है 720, तो ये भी ऑलरेडी कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। फैक्टोरियल 7 भी देखो लास्ट में क्या है, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू भी क्या होती है 5040, 10 से कट जाएगा, यानी कट जाएगा रिमाइंडर, इससे आगे वाले यहाँ के बाद सारा यहाँ से लेके यहाँ तक सारे का रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। अगर किसी को यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो देखो मैं बता रहा हूँ, फैक्टोरियल 5 का रिमाइंडर क्या आ गया 0, हमें नहीं पता फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या है, लेकिन हमें इतना पता है कि इस फैक्टोरियल 6 को लिख सकता हूँ 6 इंटू फैक्टोरियल 5, अभी फैक्टोरियल 5 की रिमाइंडर 0 है तो 6 इंटू 0 फैक्टोरियल 6 भी क्या हो जाएगा 0। फैक्टोरियल 7 निकालना, आगे फैक्टोरियल 7 था तो फैक्टोरियल 7 का मान लो वैल्यू नहीं पता है तो हमें क्या लिखना, फैक्टोरियल 6 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकता हूँ, तो अभी 6 की फैक्टोरियल की रिमाइंडर कितना आया 0, तो 0 इंटू 7 क्या हो गया 0, यानी कि इससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ से सारा टर्म क्या होगा 10 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही जहां पे पॉइंट आ गया कि ये नंबर इससे डिवाइड हो गया वहीं से सारा टर्म क्या होगा ऑलरेडी डिवाइड होगा, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल मैं 7 लिखना है तो इसको भी लिख सकता हूं ना 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, मेरे को 6 लिखना है तो इसको भी लिख सकता हूं ना 6 इंटू फैक्टोरियल 5, मेरे को 8 लिखना है तो इसको भी लिख सकता हूं ना 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, यानी सारे में फैक्टोरियल 5 आएगा ही आएगा इसके वाले में, और जब फैक्टोरियल 5 ही डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो बाकी सारे भी क्या होंगे रिमाइंडर 0 भी होंगे, ऑलरेडी मैंने वैल्यू देके भी आपको दिखा दिया। तो अब सिर्फ बचा क्या, ध्यान से देखिए
अब बचा क्या, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे बचा क्या है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं तो समझाने के लिए आपको किया था। बचा क्या, यहाँ के बाद तो रिमाइंडर जीरो हो गया, अब बचा क्या, इसकी वैल्यू 24, 36, 30, 32 और 1 33, 33 डिवाइडेड बाई 10, रिमाइंडर कितना हो गया, 10 का भाग करो 3। अगर कुछ लोगों को यहाँ पे भी दिक्कत हो रही तो देखो क्वेश्चन क्या बन गया, सिर्फ वैल्यू पता है ना सारे का, 1 + 2 + 6 + 24 डिवाइड क्या करना है 10। अलग अलग भाग भी करोगे तो पता चल जाएगा इसका रिमाइंडर क्या हो गया, भाग नहीं जाएगा 1, इसका रिमाइंडर भाग नहीं जाएगा +2, इसका रिमाइंडर +6 और इसमें भाग जाएगा 10 से भाग करूंगा इसमें तो क्या होगा रिमाइंडर +4। यहाँ से भी पता चल रहा है 6 × 2 = 6, 4 × 10 = 12, 12 और 1 = 13, 13 डिवाइड किसे करना है 10 से, यानी इस तरह से भी रिमाइंडर क्या आ गया 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, बस इतना ही सिंपल था। और इस पे मेंस में 2 से 3 बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन, देखो किस तरह से क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो पहला बार हमने टाइम लगाया था क्योंकि आपको मीनिंग समझाना था, अब सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। ये भी मेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन फैक्टोरियल 1 + 2 + 3 + 4 / 12। अब ध्यान से देखो, फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 ... फैक्टोरियल 1000 डिवाइडेड बाई क्या 12, फाइंड द रिमाइंडर, यही क्वेश्चन कर रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कितना आसानी से हम निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए सारे की वैल्यू लिख देता हूँ। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू मैंने अभी बताया था ये। अब ध्यान से देखो यहीं पे कट गया ना, 12 से 1 कट जाएगा यानी रिमाइंडर क्या हो गया 0। जैसे ही फैक्टोरियल 4 का रिमाइंडर 0 हो गया, फैक्टोरियल आगे क्या है, फैक्टोरियल 5 आगे क्या है, फैक्टोरियल 6 आगे, फैक्टोरियल 7, देखो मैं फैक्टोरियल 7 5 की बात कर रहा हूँ, तो 5 को लिख सकता हूँ 5 × फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का अभी रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो 5 × 0 क्या हो गया 0। यानी जहाँ से ये नंबर से कटना स्टार्ट हो गया वहीं से सारे रिमाइंडर, कोई बोल दे फैक्टोरियल 6 तो देखो 6 × क्या फैक्टोरियल 5, अभी देखो फैक्टोरियल 5 की रिमाइंडर क्या आ गई 0, तो 6 × 0 क्या हो गया 0। यानी जहाँ से नंबर ये कटना कटा वैसे ही सारे टर्म क्या हो जाएंगे, सारे के रिमाइंडर क्या हो जाएंगे 0। तो हमें मतलब ही नहीं रह गया, बच क्या गया सिर्फ 1 + 2 + 6 डिवाइडेड बाई क्या नीचे 12। तो क्या है सिर्फ इसी का बच गया, यही ना यही पोर्शन है, इन्हीं का निकाल दूं तो 6 × 2 = 8, 1 = 9, 9 को डिवाइड करूंगा 12 से, भाग नहीं जाएगा, रिमाइंडर क्या हो गया 9। देखो इतने आसान से क्वेश्चन है, ओरली कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अब देखो ये मेंस का क्वेश्चन है, तो वही क्वेश्चन था, आपको मैंने एक बार क्लियर कर दिया ना, तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं इस पे, देखो फिर रिपीट किया क्वेश्चन यही नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में देखो आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 + फैक्टोरियल 5 + कहाँ तक दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई, यानी कि ये जो नंबर, ये पूरा का पूरा ये नंबर है, कौन से ऐसा नंबर से डिवाइड होगा 10 से 9 से 8 12 से और 8 से। तो देखो अभी मैंने सेम क्वेश्चन बताया था यहाँ पे कि 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर फाइनली कितना आ रहा है 3। अगर फिर भी कोई दिक्कत है फिर भी मैं बता देता हूँ, पहले चेक करेंगे ऑप्शन ए उठाएंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, चेक करते हैं रिमाइंडर क्या 0 आ रहा है। तो देखते हैं 1 की वैल्यू फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120। देखो 10 से ये चला जाएगा ना, यहाँ से ही रिमाइंडर 0 आ गया, ये सारा का सारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 24, 6, 30, 30, 2, 32, 1, 33, 33 डिवाइडेड बाई क्या रह गया 10, रिमाइंडर क्या हो गया 3, पूरा का पूरा 0 नहीं हो गया, ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है 10 से ना, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया यानी 10 नहीं हो सकता। अब फिर चेक करेंगे क्या, फिर चेक करेंगे कि आप फैक्टोरियल, अब मैं बी ऑप्शन चेक करूंगा क्या इससे रिमाइंडर 0 हो रहा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... फैक्टोरियल 1000 डिवाइड किससे करें 9 से, चेक करना पड़ेगा, चारों में से किसी से भी हो सकता है, चेक करना है फाइनली किसका रिमाइंडर 0 होगा। तो ध्यान से देखो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितना होती है 120, अब फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी है 720। अब ध्यान से देखो 9 से 720 कट जाएगा, यहां से ही रिमाइंडर 0, तो सारा टर्म क्या होगा रिमाइंडर 0, मैंने यही बताया था जहां से कटना स्टार्ट हुआ वहीं से रिमाइंडर 0। तो अब सिर्फ बच कितना आ गया, देखो ध्यान से 120 और 20 = 40, 140, 140 = 6, 150, 4 × 6 = 7, 157 / 9। अब देखो
अब 9 का डिजिबिलिटी रूल बताया था ना कि 9 का डिजिबिलिटी भाग भी दे लो, 9 दुनी 9 इकाई 9 कितना बचा? देखो अगर किसी को दिक्कत है तो 9 का भाग 157 में दे दो, 9 इकाई 9 ये कितना बचा ध्यान से, 9 6 15 मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दिया ना, देख लेते हैं, 120 20 40 40 देखो 24 6 30 देखो 24 6 30 और 30 और 120 150 153 होगा यहाँ पे, ठीक है ऐड कर लेना। तो अब ध्यान से देखो 153 है तो 9 6 और 3 9 7 63 17 बार में कट गया, यानी रिमाइंडर फाइनली क्या हो गया जीरो इस केस में। अगर किसी को डाउट भी है देखो आपको 153 डिवाइडेड बाई 9 आ गया, मैंने 9 का डिजिबिलिटी रूल बताया था कि सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाई 9, तो सम 5 3 8 1 9 9 से चला जाएगा भाग, तो ये रिमाइंडर क्या देगा जीरो, यहाँ से भी कर सकते हो। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया रिमाइंडर जीरो, यानी कंप्लीटली रिमाइंडर जीरो का मतलब क्या है कंप्लीटली, जैसे मैं बोलूँ भाई 6 से 12 में भाग देना है कब कंप्लीटली डिवाइड होगा, 6 दुनी 12 जब रिमाइंडर क्या हो जाए जीरो फाइनली, तो ऑप्शन बी ही आ गया कि हमारा राइट आंसर है, तो हम आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को बना सकते हो 12 और 8 पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, एक बार 12 केस ले लेना यहाँ पे, एक बार 8 रिमाइंडर कोई ना कोई बचेगा, आप खुद भी घर पर प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, दो क्वेश्चन आपको बन भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब आपको थोड़ी सी क्वेश्चन देखो, हमने यूनिट डिजिट पढ़ा दिया ना, यूनिट डिजिट आपको बता चुका हूँ फाइंड आउट करना, ये पहला फर्स्ट टॉपिक था हमारा यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना। क्वेश्चन कभी कभी दे देता है लास्ट टू डिजिट फाइंड आउट करना, लास्ट टू डिजिट हिंदी वाले स्टूडेंट्स अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक कहे, अगर अंतिम दो अंक कहे तो कोई भी नंबर हो उसको अगर 100 से भाग देंगे उसके बाद सेम अप्लाई करेंगे रिमाइंडर का रूल, सेम अप्लाई करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, तो वो क्या दे देगा लास्ट टू डिजिट, अगर कोई भी नंबर है उसको 100 से डिवाइड करेंगे। अगर कोई बोलता है लास्ट थ्री डिजिट फाइंड आउट करना है, लास्ट थ्री डिजिट यानी कि अंतिम तीन अंक फाइंड आउट करना है, अंतिम तीन अंक, तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई भी नंबर है उसको 1000 से भाग दे देंगे तो वो क्या होगा अंतिम तीन अंक फाइंड आउट बता देगा। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पार्ट वन में ही बता चुका हूँ। वैसे क्वेश्चन इतना डिटेल्स अंतिम तीन अंक तो आज तक पूछा नहीं गया है एसएससी एग्जाम्स में, लेकिन सम टाइम्स आपको लास्ट टू डिजिट पूछा गया है, जैसे ये एसएससी एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो देखो कितना आसान है। क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द लास्ट टू डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट, ये दिया हुआ है, क्वेश्चन कर रहा है ये इतना गुणनफल में अंतिम दो अंक प्राप्त करो, तो मैंने बताया था ना लास्ट टू डिजिट के लिए क्या करते हैं 10 से क्या करते हैं हम डिवाइड कर लेते हैं, और 10 से डिवाइड का मतलब क्या है डिजिबिलिटी ऑफ 10 का मतलब क्या है कि अंतिम डिजिट जीरो होना चाहिए, तो वो पूरा का पूरा डिवाइड है अदरवाइज नहीं है। तो ध्यान से देखो 10 दुनी 20 रिमाइंडर क्या हो गया प्लस 3, हम सिर्फ लास्ट देखेंगे 10 में से 9 का भाग करेंगे रिमाइंडर माइनस 1, ये 7 है रिमाइंडर कितना हो गया माइनस 3 क्योंकि निगेटिव ले रहे हैं, यहाँ पे देखो लास्ट 70 यानी कि रिमाइंडर प्लस 3, और यहाँ पे क्या ले लो रिमाइंडर क्या 10 दहा में 100 माइनस 4, कुछ भी ले सकता हूँ मैं, मेरे अकॉर्डिंग ये चल रहा है। अगर आपको लेना है पॉजिटिव में तो रिमाइंडर क्या ले सकते हो यहाँ पे, अगर किसी को दिक्कत आ रहा है कि लो भाई नहीं पॉजिटिव में लेना है तो पॉजिटिव ले लो रिमाइंडर क्या हो जाएगा प्लस 6, पॉजिटिव ही ले सकते हो। अब बस देखो क्या बच गया 3 × 3 9, 9 × 6 54, 54 बचा गया क्या 54 और ये 3 निगेटिव निगेटिव तो पॉजिटिव हो गया 54 × 3 डिवाइडेड बाई 10। अब देखो या तो मल्टीप्लाई कर लो 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, 116 डिवाइडेड बाई 10 रिमाइंडर अंतिम दो अंक क्या हो जाएगा ध्यान से देखो क्या हो गया, सिंपल सा भाग दे दूं 10 × 16। अगर किसी को यहां तक दिक्कत है तो मेरे को बोल सकता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है ना आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिया करो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। देखो एक तो तरीका ये है फाइंड आउट करने का कि हमने इस तरह से किया, उसके बाद हमने क्या किया कि कोई भी चीज़ को अप्लाई करना सीख लिए, लेकिन देखो इसका हम सबसे इससे आसान है क्या हम हम 10 से ना करके हम क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे। देखो रात का 2:30 बज रहा है ना इसलिए समटाइम्स प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो देखो अभी मैंने आपको रूल्स क्या बताया था कि लास्ट टू डिजिट मैं बोलना वहीं से चाह रहा हूँ, लास्ट टू डिजिट कहे तो 100 से डिवाइड कर लो, लास्ट थ्री डिजिट कहे
तो क्या 1000 से डिवाइड करो, तो मैं 10 से भाग दे रहा था। देखो मेरे अभी रात का टाइम है इसलिए माइंड थोड़ा सा हो सकता है समटाइम्स वो झपकी जैसी फील होती है, तो आप टेंशन मत लो, आप कॉन्सेप्ट को फोकस करो। क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द लास्ट टू डिजिट, तो हमने क्या किया, लास्ट टू डिजिट के लिए हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे और सेम अप्लाई करेंगे रिमाइंडर थ्योरम का रूल। अब एक चीज और बता दूं, जहां भी सिंप्लीफाई होता है ना, ये जैसे देखो अगर मैं 100 से लिखूं तो ये रिमाइंडर नहीं भाग जाएगा, +23 लिखूंगा फिर मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसे क्वेश्चन को अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो वो चीज हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो देखो क्या कट रहा है, 4 से 24 चौके 96 और 25 चौके 100। और एक चीज और बता दूं, हमने क्या किया 4 से क्या किया डिवाइड किया, तो फाइनली जो रिमाइंडर आएगा ना उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ये रूल होते हैं कि अगर कोई भी चीज को हम अपने से डिवाइड किए हैं ना तो उसको मल्टीप्लाई भी करना जरूरी है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ 2x+3 है, इसमें मैंने क्या किया 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये बनेगा। यानी हमने इसको 4 से क्या कर दिया, दोनों साइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 4 से फाइनली आंसर में हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिस भी नंबर से, 5 से कर रहे हो तो 5 से करना पड़ेगा, ये याद रख लेना। अब आपको ध्यान से, अब आपको देखो कितना आसान हो जाता है ये क्वेश्चन। डिजिबिलिटी रूल ऑफ 25 मैंने बताया था कि क्या चेक करना होता है, लास्ट टू डिजिट। डिजिबिलिटी रूल बता चुका हूँ अच्छे से। तो देखो 25 से कहें 25, रिमाइंडर कितना हो गया -2। अब 25 के लिए लास्ट टू डिजिट चाहिए तो 99, 25 चौके 100 -1, लास्ट टू डिजिट 25 चौके 100 -3, 25 तियाँ 75 -2, और ये 24 है तो क्या हो गया 25 से कहें 25 -1, रिमाइंडर क्या आ गया, ध्यान से देखो 2×1 2, 3 देखो 3×2 6×12 हमने 12 लिख दिया, और क्या है माइनस 4 माइनस कैंसिल हो गया, 1 माइनस रह गया, डिवाइडेड बाई 25। और मैंने आपको बताया था अगर निगेटिव आ जाए तो क्या करते हैं घटा देते हैं रिमाइंडर, फाइनल निगेटिव रिमाइंडर तो नहीं लिख सकते 12, तो फाइनल क्या करते हैं 25 में से इसको घटा देते हैं 12, यानी कितना हो गया रिमाइंडर 13 हो गया। फाइनली रिमाइंडर 13 तो आ गया, लेकिन ये क्या आंसर है, नहीं भाई, हमने क्या किया था 4 से डिवाइड किया था, तो लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर रिमाइंडर क्या हो जाएगा 52। ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा आपको कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिसको दिक्कत आ रही है एक बार रिपीट करें, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप कॉमेंट सेक्शन में मैसेज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, इतना नंबर ही फाइंड द लास्ट टू डिजिट क्वेश्चन कर रहा है। ध्यान से देखिए 39×55×57×24×13872×9871 को किससे भाग करना है, लास्ट टू डिजिट कहे तो मैंने क्या बताया था 100 से डिवाइड कर लो। अब मैंने बोला था कि अगर ये नंबर किसी से भी कट रहा है तो कटा लो, देखो 4 से कट रहा है, 4×6=24, 25×4=100, फिर भी कट रहा है 5 से, 5×7=50, 11×5=55। हमने क्या किया, एक बार 4 से डिवाइड किया और दूसरी बार 5 से डिवाइड किया, यानी इन दोनों नंबर से डिवाइड किया, तो इन दोनों नंबर को फाइनली लास्ट में क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब देखो सिंपल सा चीज, डिजिबिलिटी 5 से भाग करना है तो रिमाइंडर थ्योरम, डिजिबिलिटी रूल ऑफ 5 आपको बता चुका हूं, सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है, 5 से देखना है, तो देखो 5 से इसको देखें तो कितना आ गया -5×2=10, 5×2=10 ये कितना हो गया 11 है तो +1, 5 से सिर्फ इसको देखें तो कितना हो गया +2, 5×5=+1, यहाँ पे देखो 5 से चेक करना है सिर्फ लास्ट देखो +2, क्योंकि भाग नहीं जाएगा, ये रिमाइंडर 5 से भाग करना है तो रिमाइंडर भाग ही नहीं जाएगा, 1/5 क्या हो गया रिमाइंडर +1, बस यही करना था। अब देखो मल्टीप्लाई कर लूँ, 2 ही रह गया, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2×2=4, हमने 4 लिख दिया। अब देखो ध्यान से, कहीं निगेटिव है 1 निगेटिव, बाकी को कहीं निगेटिव नहीं है, यानी कि माइनस दे दूंगा डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये क्या रिमाइंडर हो जाएगा, नहीं जी, मैंने बताया था अगर रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता इसमें से इसको घटाएंगे, रिमाइंडर फाइनल क्या हो गया 5-4 क्या 1, लेकिन ये क्या 1 रिमाइंडर आ गया, नहीं जी, मैंने आपको बताया था कि ये 1 हो जाता, लेकिन जिस नंबर से डिवाइड किए इन दोनों नंबर से लास्ट में फाइनल मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिमाइंडर क्या है 1 तो है, इन दोनों नंबर से डिवाइड किए थे तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5×20। इस क्वेश्चन का फाइनली रिमाइंडर कितना होता है 20,
और यही चीज़ आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेंस एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। मैंने क्या किया, डिजिबिलिटी रूल ऑफ 5 चेक किया, क्योंकि सिर्फ 5 से मतलब है तो लास्ट डिजिट से ही मतलब है, तो देखो 9 था 5 2 10 -1, ये देखो 11 था 5 2 10 +1, ये देखो 7 था तो 5 5 5, ये अब जैसे ये 2 था तो 2 / 5 भाग ही नहीं जाएगा, रिमाइंडर क्या हो गया +2, तो इसीलिए मैंने इसको +2 लिख दिया था। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन, देखो फिर क्वेश्चन कर रहा है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ, एसएससी एग्जाम्स में क्वेश्चन है, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट। देखो दिया हुआ है क्वेश्चन 173 × 192 × 99 × 96 / क्या, अगर लास्ट 2 डिजिट का है तो हम 100 से भाग दे देते हैं, बस यही क्वेश्चन रह गया। अब देखो जो नंबर कट रहा है उसको कटा दें, 24 × 96 25 × 100, हमने क्या किया 4 से डिवाइड किया तो 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। रिमाइंडर 25 के लिए मैंने बताया था लास्ट 2 डिजिट देखना होता है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखना है हमें, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट। तो देखो 25 × 75 -2, 25 × 100 -8, 25 × 100 -1, और ये देखो 24 है तो 25 × 25 -1, हमारा सिर्फ क्या रह गया मल्टीप्लाई, 8 × 2 = 16, सारे में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 8 × 2 = 16, और कितने निगेटिव हैं 1 2 3 4, तो पॉजिटिव हो गया 16 / 25, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 16 / क्या हो गया 25, तो रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर भाग नहीं जाएगा तो 16 हो गया। लेकिन क्या ये आंसर हो गया, नहीं, रिमाइंडर फाइनल क्या होगा 16 तो होगा, लेकिन हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, यानी 64 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, और ये एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस को बनाने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करने के लिए होता है। क्वेश्चन कर रहा है इतना फाइंड द लास्ट 2 डिजिट। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 87 × 92 × 194 × 44 क्या, लास्ट 2 डिजिट का मतलब क्या 100 से डिवाइड करना। अब देखो क्या ये कट रहा है किसी से, ऑलरेडी कट रहा है, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है कि ना कटे, ये कट रहा है ना ऑलरेडी, तो देखो हम कटा देते हैं, ध्यान से देखिएगा, लो जी 4 से मैं कटा दूं तो 25 × 100, 4 से कटाऊं तो 11, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि सारा कुछ ऑलरेडी कट रहा था, यहाँ तक तो हो गया। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ में हमने कर लिया, अब इस क्वेश्चन में कुछ रहता ही नहीं है, बस क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अब ध्यान से देखो, चलो हम क्वेश्चन बनाते हैं, हमने 4 से अगर डिवाइड किया तो लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को चेक करने के लिए सिर्फ इसमें हम चेक करेंगे, 25 × 75 25 × 100 ले लेता हूँ तो क्या हो गया 13 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 25 × 100 -8 हो गया, 25 × 100 -6 हो गया, और 25 से कहीं 25 या तो +1 ले लो या तो 25 में भाग दे लो 11 का, 25 से कहीं 25, 25 में 11 माइनस कर लोगे तो कितना हो गया 4, और ये कितना बचा 1, 14 हो गया, तो -14 होगा। लो इस तरह से मैं, या तो आप सारे पॉजिटिव भी ले सकते हो, आपके ऊपर मंजूर है, आपके ऊपर, तो क्या आ गया देखो ध्यान से, माइनस है -13 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -14 डिवाइडेड बाई क्या है 25। अब इसको मल्टीप्लाई कर लूँ, 13 × 8 कितना हो गया 104, इसको मल्टीप्लाई कर लूँ 14 × 6 = 84 डिवाइडेड बाई 25, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, 25 × 100 रिमाइंडर कितना हो गया +4, 25 × 75 25 × 100 -16, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 16 × 64 -64 डिवाइडेड बाई 25, ये आ गया -64 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 25, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सारे लोगों को, कोई दिक्कत नहीं आई होगी मेरे अकॉर्डिंग। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिए हमारे पास आ गया -64/25, भाग जा रहा है ना 64 में तो भाग चला जाएगा, 25 × 50 यानी कितना हो गया -14/25। अब निगेटिव तो हम लिख नहीं सकते रिमाइंडर, तो क्या लिखेंगे 25 में से इसको 14 घटा देंगे, मैंने क्या किया माइनस को बाहर लिख लो, 64/25 भाग जा रहा है 25 × 50 तो 14 हो गया था, तो माइनस पहले से तो -24, अब ये भाग तो नहीं जाएगा लेकिन फाइनल रिमाइंडर -14 नहीं लिख सकते ना, इसीलिए मैंने क्या बोला इसमें से घटा लो 25 -14 यानी रिमाइंडर कितना हो गया 11,
रिमाइंडर 11 तो आ गया, लेकिन क्या ये फाइनल रिमाइंडर हो गया? नहीं जी, क्योंकि हमने 4 से डिवाइड किया था, तो 4 से क्या मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो फाइनली आंसर रिमाइंडर कितना हो गया? 44। तो इस तरह से आंसर आ जाए आपको आसानी से। कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है इस क्वेश्चन को, सर अनदर मेथड, अनदर मेथड कुछ नहीं, चेंजिंग कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग है। देखो 87 × 92 × 194 × 44 / 100 है भाई, कोई जरूरी है मैं उसी से कटाऊं? मैं इससे भी कैंसिल कर सकता था। देखो 4 से कटूं तो 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, तो 25, यानी ये रिमाइंड हमने 4 से डिवाइड किया, तो फाइनली लास्ट में भी क्या करेंगे, 4 से हम यूज करेंगे। तो बस देखो 25, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, यानी रिमाइंडर -13, यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा -2, यहाँ पे 25 × 4 = 100, लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट 2 डिजिट 25 का डिजिबिलिटी रूल बता चुका हूँ, कितना हो गया -6, 25 × 50, यानी रिमाइंडर कितना हो गया -6 हमारा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, ध्यान से देखिएगा 13 × 2 = 26, माइनस माइनस प्लस, 6 × 6 = 36, रह क्या गया नीचे 25, लो जी ये कितना हो गया +1, और 25 × 25, ठीक है 25 × 25 यानी कितना हो गया +12, +11 हो गया, लो +11, यानी इस तरह से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो गया 11/25, रिमाइंडर कितना आ गया 11, लेकिन क्या ये रियल में आंसर हो गया? नहीं, 4 से हमने डिवाइड किया था, 4 से मल्टीप्लाई, इस तरह से भी आंसर क्या आ गया 44। देखो इस तरह से भी आया था, इस तरह से भी, तो कोई लॉजिक लगा सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो सारे किसी तरह बनाओगे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ये चीज आप याद रख लो, ठीक है, कि आंसर पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप लॉजिक लगाओ उसको, रियल में लॉजिक लगाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप, ये नेक्स्ट टाइप टाइप टू है। अब देखो इस टाइप्स में क्या क्या क्वेश्चन, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन लिया है मैंने, एक देखो क्वेश्चन क्या करे, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 25 इज डिवाइडेड बाय 25, क्या है 13 से डिवाइड कर लो, तो ये तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 13 × 2 - 26, 13 × 2 = 26 - 1, तो रिमाइंडर फाइनली क्या हो जाएगा 13, में से इसको कम कर लो, रिमाइंडर कितना हो गया 13 - 1 क्या हो गया 12। और किसी को दिक्कत है तो नॉर्मल क्वेश्चन था 25 × 13 × 2 = 26, रिमाइंडर क्या लिख दिया था -1 / 1 / देखो अगर किसी को इतना भी अगर फिर भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने क्या लिखा है कि 25 को 13 से डिवाइड कर लो, तो दो वे बताया था ना, देखो एक तो वे क्या है कि 13 को 25 से डिवाइड कर लो, 13 × 13 कितना हो गया रिमाइंडर 12, रिमाइंडर क्या आ गया 12, यहाँ से भी आ गया, लो जी रिमाइंडर क्या आ गया 12। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि 13 को इसे रिमाइंडर कर लो, 13 × 2 = 26, निगेटिव माइनस रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर क्या निगेटिव होता है, -1 नहीं हो सकता, 13 में से इसको कम कर लो, एक 13 - 1, यानी यहाँ से भी क्या आ गया 12। तो आपको टेंशन कहीं से भी लेने की जरूरत नहीं, दोनों सेम में, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब पार्ट रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट, अगर ये किसी को दिक्कत आ रही हो तो पार्ट वो कौन सा देख ले, पार्ट 12 देख ले, क्योंकि उसमें मैंने पूरी बेसिक से कराया हूँ। अब देखो अब आता है टाइप टू में पावर वाले क्वेश्चन। देखो पावर वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इतना डिवाइडेड बाय 13, क्वेश्चन कर रहा है कि 25 को डिवाइड करना है 48 / 13। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या है ना, सिंपल ये लॉजिक है, क्या है ध्यान से देखो, पहले इसको भाग देते हैं 13 में 25 को, तो 13 × 2 = 26 -1 रिमाइंडर डिवाइडेड बाई 48 / 13। तो देखो एक चीज याद रख लेना, कभी भी निगेटिव -1 पे पावर अगर इवन नंबर हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है 1, अगर -1 पे पावर ऑड नंबर हो तो रिजल्ट क्या होता है -1। इवन नंबर का मतलब क्या, 2, 4, 6, यानी सम संख्या, ऑड नंबर का क्या, विषम संख्या। अब ध्यान से देखो क्या हो गया, 13 को हमने इसमें भाग दिया, 13 × 2 = 26 -1 पे पावर इवन नंबर है, रिजल्ट क्या हो गया 1 / 13, नहीं भाग जाएगा रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर कितना हो गया फाइनली 1, क्योंकि भाग नहीं जाएगा ना, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। बस ऐसे क्वेश्चन आसान क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन में कुछ होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है 36 पे पावर 13 / 7, अब देखो 7 × 5 = 35, इसको भाग देना इसमें, 7 × 5 = 35, रिमाइंडर क्या बचा 1 / 13 / 7, ठीक है। अब देखो 1 पे पावर कोई भी 1 पे पावर एनी नंबर हो, एनी नंबर उसकी वैल्यू क्या होती है 1,
तो 1 पे पावर 13 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 7 भाग नहीं जाएगा, रिमाइंडर यही हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या हो गया 1, कुछ था ही नहीं ऐसे क्वेश्चन में। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 पे पावर 18 डिवाइडेड बाई 9। अब ऐसे क्वेश्चन यहाँ से थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है क्वेश्चन में। अब देखो ध्यान से देखिएगा, किसी तरह आपको जैसे देखो ये 9 है ना, किसी तरह हमें 9 से या तो हम 10 बना लें या तो 8 बना लें, तो क्या हो जाएगा, अगर 9 से 10 बना लेंगे तो रिमाइंडर प्लस 1 आएगा अगर भाग दोगे तो। जैसे देखो 10 बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में कैसे आपको समझना होगा। जैसे देखो अगर नीचे क्या है, नीचे 9 से भाग देना, तो किसी तरह सोचना है कि या तो किसी तरह नंबर ये ऊपर वाले नंबर को 10 बना लूं या तो किसी तरह इससे एक कम बना लूं। अगर 10 बनाऊंगा तो 10 बाई 9 रिमाइंडर क्या होगा प्लस 1, या तो 10 8 बाई 9 होगा तो क्या होगा रिमाइंडर माइनस 1। यानी किसी तरह ऐसा करना है इसको कि या तो 10 बना लूं या तो 9 बना लूं। तो आपको पता है ना कि 2 पे पावर अगर मैं क्यूब कर लूं, 2 का क्यूब करूं तो 8 हो जाता है रिमाइंडर। अब देखो देखो 3 हो गया, ध्यान से देखिए 3 तो क्या हो गया। अब एक चीज आपको यहां पे चलो रूल भी बताना पड़ेगा ना, ए पे पावर एम पे पावर अगर एन हो तो ये क्या होता है, ये दोनों क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं ए पे पावर एम इंटू एन। तो ध्यान से देखो 2 का क्यूब है, तो अब दो तरीका इसमें मैं दो तरीका बताता हूं आपको, देखो रटना भी नहीं पड़ेगा। दो तरीका क्या है देखो ध्यान से, एक तो तरीका क्या है कि आपको टेबल पता होना चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा 2 का क्यूब। अब बचा कितना, इस जो पावर है ना ये 3 मैंने लिखा, 3 को इससे भाग दे लो तो 3 छाके 18, तो आपको पता चल गया ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, अभी मैंने बताया था, तो ये हो गया डिवाइडेड बाई क्या 9। 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 पे पावर 6 डिवाइडेड बाई 9, 9 का भाग दूंगा इससे तो 9 इकाई 9, 9 इंटू 1 9 यानी माइनस 1 रिमाइंडर, माइनस 1 पे पावर 6 डिवाइडेड बाई 9, माइनस 1 पे पावर इवन नंबर यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 9, रिमाइंडर फाइनली क्या हो गया भाग नहीं जाएगा रिमाइंडर 1 हो गया। लो जी आंसर हो गया। एक बार फिर से समझा देता हूँ ऐसे क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे कोई दिक्कत ना आए, कोई कन्फ्यूजन ना आए। 2 पे पावर 18 डिवाइडेड बाई 9, ये 9 है ना, किसी तरह हमें 9 से या तो 10 बना लो या तो 8 बना लो, तो 10 नहीं बना सकते लेकिन 2 का क्यूब आपको पता है ना क्या होता है 8, तो ये जो क्यूब है ना 2 पावर 3 है उसको इसमें भाग दे लो तो 3 छाके 18, या तो आपको टेबल पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये रूल होता है ए पे पावर एम पे पावर एन हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है ए पे पावर एम एन हो जाता है। तो देखो 3 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे 2 पे पावर 18 हो गया डिवाइडेड बाई 9। अब ये कितना रह गया 8 पे पावर 6 डिवाइडेड बाई 9, 9 इंटू 1 9 यानी रिमाइंडर कितना हो गया माइनस 1, माइनस 1 पे पावर 6 डिवाइडेड बाई 9, माइनस 1 पे पावर इवन नंबर क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाई 9, रिमाइंडर फाइनली कितना हो गया भाग नहीं जाएगा तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि भाग नहीं जाएगा ना, 9 का भाग कभी 1 में जाता है नहीं जाएगा, 0 टाइम्स में 0 रिमाइंडर क्या हो गया 1, तो रिमाइंडर क्या हो गया 1। ऑलरेडी अगर भाग ही नहीं जाएगा 1 में तो क्या होगा रिमाइंडर यहीं हो जाएगा, तो 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने देखो इसमें मेंस के भी क्वेश्चन लिए और प्री के भी क्वेश्चन किए। तो इस तरह से अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो वीडियो को, और आपको वीडियो से रियल में हेल्प मिल रही है, आपको मैथ में मज़ा आ रहा है तो कमेंट्स जरूर करो, इसमें आपको ना तो पैसे लगते हैं कमेंट्स करने के ना ही कुछ। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दो वीडियो को ताकि उनको भी बेनिफिट मिल जाए। थैंक यू, बाय। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट में और रिमाइंडर थ्योरम के पार्ट 3 में। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।